और जो हमारे कश्मीर का अखरोट है और बाहर का अखरोट है, इसमें बहुत सारी फ़र्क है सर। जैसे हमारे में इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी भी केमिकल की वजह से भी मतलब साफ़ नहीं किया जाता है। जैसे बाहर का साफ़ होता है वो केमिकल की वजह से होता है, हमारे यहाँ पे क्या है तो जो ये अखरोट हैं ये बिल्कुल मतलब नेचुरली है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, ऑयली होता है ये। हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, लेकिन हमें इतना पैसा नहीं आता है। हम कई सालों से सोच रहे हैं कि नहीं पैसा आएगा, ये बढ़ता जाएगा तो हम ये कारोबार आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है इसमें। हम यही गवर्नमेंट से भी मतलब जो भी देख रहे हैं उनसे हम ये इतला करते हैं कि इसमें जो अगर आप देखोगे आज से 10 साल पहले कितने सारे अखरोट होते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी पेड़ भी देखोगे ना वो बिल्कुल भी काटे गए हैं। किसी भी जगह अगर जहाँ पर आपको 100 पेड़ दिख रहे थे आज वहाँ पर सिर्फ 10 नज़र आ रहे हैं। 12 साल से हम ये काम कर रहे हैं, उतना मज़ा नहीं है। करीबन 2-3 सालों से जब से ये कोविड का मसला आया है, कश्मीर में बहुत सारे हालात ख़राब हुए हैं, कोविड का मसला ऊपर से, तो कोई मज़ा ही नहीं। जितनी मेहनत हम करते हैं इसके ऊपर, अखरोट का काम हो चाहे या सेब का काम हो, जो भी हमारा काम हो यहाँ पे कश्मीर में है, कोई मज़ा ही नहीं रहा। पहले 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 8-8.5 हज़ार में हमारे ये अखरोट बिकते हैं। सबसे पहले इसको जब उतारना पड़ते हैं उसको कम से कम 1500 रुपये दिन का लेता है वो, उसके बाद हमें उठाने जो उठाते हैं उनको भी 400-500 रुपये देना पड़ता है। उसके बाद इसका छिलका होता है वो निकालना होता है, उसके बाद सुखाना होता है, तो इस हिसाब से बहुत महंगा पड़ता है हमें। बाहर का माल जो है उतना मज़ा नहीं है जितना यहाँ कश्मीर का अखरोट जो है, आप खुद खा कर देख सकते हो, उतना मज़ा नहीं है। यहाँ के सेब आप शिमला से सेब आते हैं, बाहर के जो सेब आते हैं उनका इतना वैल्यू नहीं है। वैल्यू उनका रेट में वैल्यू रहा है उनका, लेकिन हमारी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं रहा है, इनका कोई रेट नहीं रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है शायद, इतनी मेहनत करते हुए भी हमारे किसी चीज़ का वैल्यू नहीं रहा, ये हमारी सोच से भी बाहर है। हम भी बहुत सारी मेहनत करते हैं, मैं भी अखरोट या इनकी बात करूँ सेब की बात बाहर राजस्थान में बेच कर आ रहा हूँ, लेकिन हमारी समझ से बाहर है। ये लोग जो बाहर के हैं, बाहर से राजस्थान ये शिमला से लाते हैं, उनका वैल्यू बढ़ा के कश्मीर के चीज़ों का रेट कम कर दिया है।